अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, और मैं अपने होटल की बालकनी से जो है ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। फजर का टाइम है इस वक्त और बस अभी नमाज पढ़ी है, और समुंदर जो है जो बिल्कुल काला स्याह था, ब्लैक बिल्कुल, वो अब सुबह सुबह नीला बिल्कुल दूर तक जो है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। और ये सुबह सुबह का व्यू है, बहुत प्यारा सा। और ये है हमारी बालकनी रूम की। आज है सेकंड डे, और आज जो है हम देखते हैं किधर जाते हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं है, हो सकता है हम इधर ही रहें, या हो सकता है हम कहीं और थोड़ा आगे निकल जाएं। 10:30 हमने यहाँ से चेकआउट करना है, और उसके बाद देखते हैं कि हम किधर चलते हैं। तो जी, इंशाल्लाह आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा, और सबने रात को बहुत इन्जॉय किया। हम काफ़ी लेट सोए थे, बहुत लेट। ये देखें जनाब, लहरें। तो आज जो है वो कल की नस्बत थोड़ा सा वेदर जो है वो ठंडा है, बता रहे हैं कि आज, कल काफ़ी सनी था और आज जो है वो थोड़ा बादल है। तो देखते हैं, हो सकता है ऐसे ही हो, तो देखते हैं आज क्या प्रोग्राम बनता है हमारा। तो इंशाल्लाह साथ साथ इंजॉय करेंगे, और रात तक वापसी होगी इंशाल्लाह हमारी लंदन। तो आज का पूरा दिन है। और ये है ऑलमोस्ट घंटे बाद का व्यू, काफ़ी हद तक जो है वो रोशनी हो चुकी है। इस वक्त 5 बजे हैं सुबह के, लेकिन रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और जी ये देखें, अभी कितनी अच्छी धूप निकली है। मैं आपको अगेन अपनी बालकनी से जो है वो समुंदर दिखाती हूँ जनाब। आज आपको मैं ना इस वीडियो में मिडनाइट और फजर का टाइम, और उसके बाद जो है वो अभी बजे हैं इस वक्त तकरीबन 9:30 सुबह के, और सूरज जो है आज शुक्र है अभी तक तो बड़ा अच्छा निकला हुआ है। और कह रहे हैं कि आज जो है ना सनी भी है और बीच में ना बादल भी है, तो इस वजह से थोड़ी सी आज ना कल की नस्बत ज़्यादा सर्दी हुई है, तो कल भी बहुत सर्दी लग रही थी। हाय हमारे नेबर जो है ना, ये देखो मिस्टर सीगल मैं आपको उड़ गया अच्छा जी, तो ये है इस वक्त का व्यू, और ये है जनाब शोर और समुद्र का रंग जो है वो टाइम के हिसाब से जो है वो चेंज करता रहता है। इस वक्त इसका रंग बिल्कुल ग्रेइश सा, लाइट सा ग्रेइश सा ब्लू, और से थोड़ा सा ग्रीनिश सा ग्रे इस तरह का, लेकिन जैसे जैसे दोपहर गहरी होगी ये ग्रीन में हो जाएगा तब्दील, और उसके बाद आस्ता-आस्ता और रात में बिल्कुल ब्लैक। तो ये है नीचे सड़क का व्यू, ये सड़क का व्यू है। इस वक्त इस साइड पे इतनी तेज मेरी आंखों में धूप पड़ रही है कि मुझे जो है ना वो नजर नहीं आ रहा सही तरह कि मैं क्या बना रही हूँ। ये साइकिलिस्ट हैं जनाब जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत लॉन्ग द रोड जो है सी साइड, बहुत बड़ी जो है वो रोड है, और यहाँ पे साइकिलिस्ट का जो है बहुत बड़ा ट्रैक है। तो यहाँ पे जो इधर की एक्टिविटीज़ जो दी हुई हैं उन्होंने इस बोर्ड की, उसमें शामिल है कि आप यहाँ पे बहुत लॉन्ग ट्रैक है जिसपे आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं।
तो ये है जनाब ब्रिटिश फ्लैग जो कि बड़ी शान से लहरा रहा है, और ये वो वाला जगह जहाँ पे रात को कॉन्सर्ट हो रहा था, यहाँ पे तकरीबन 10 बजे तक कॉन्सर्ट होता रहा है, और यहाँ पे बकायदा चेयर्स लगी हुई थी जो अभी उन्होंने सारी उठा दी हैं। एवरी जो है वो सैटरडे संडे यहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है, कॉन्सर्ट होता है, तो यहाँ पे लोग जो है वो अपनी कुछ कुछ चाय चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हम भी अपनी कॉफ़ी शॉफी बनाते हैं, और ब्रेकफास्ट तो अभी हम देखते हैं कि अगर टाइम पे तैयार हो गए तो नीचे जाके करेंगे, अदरवाइज फिर हम ये अभी जो है हम लोग चेकआउट करने लगे हैं। 10:30 बजे का टाइम था हमारा चेकआउट का, तो बस अभी 10:30 हो गए हैं पूरे, और हम लोग इधर आए रिसेप्शन पे, बस की वापस करेंगे और निकल जाएंगे कहीं किधर, अभी कुछ पता नहीं है। एक्सप्लोर करेंगे आज हम ईस्टबोर्न को, और हो सकता है हम सेवन सिस्टर्स चले जाएं, हो सकता है हम हेस्टिंग चले जाएं, जो कि इसके साथ साथ और बीचेस भी हैं, ब्राइटन भी है, हेस्टिंग भी है, और सेवन सिस्टर्स है, वहाँ पे व्यू पॉइंट है बहुत अच्छा, ऊपर जाके काफ़ी ऊपर क्लिफ के ऊपर, तो हो सकता है हम उधर चले जाएं, देखते हैं जैसे सब कहेंगे वैसे करेंगे। यहाँ पे हम आए हैं जो कल देख के गए थे ब्रेकफास्ट करने, तो ये बनवाने लगे सब अपना अपना डिफरेंट किस्म का। ये हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट तैयार। थैंक यू सो मच, कैन आई पे? एक हम ये ले रहे हैं, और ये बड़ा जबरदस्त कोकोनट के जो हैं वो छोटे छोटे केक्स हैं ये, और इतनी अच्छी खुशबू उठ रही है ना इधर से, बहुत अच्छी, बड़ी जबरदस्त। शॉप कितनी क्यूट है, छोटी सी येलो कलर की, बहुत क्यूट सी शॉप है, और सुबह का टाइम है, सुबह तो नहीं अभी तकरीबन 12 बजे हैं, लेकिन लोग जो है स्टिल कॉफ़ी ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो कर रहे हैं, तो हम लोग भी इधर हाई स्ट्रीट आए हैं, तो देखते हैं, चलें एक्सप्लोर करते हैं। लवली काउंटर भी बड़ा प्यारा है, येलो ही अच्छा, बड़ा वार्म सा जो है ना इसका वो है सारा इंटीरियर। ये देखिए सुबह सुबह जो है वो बीच जो है बहाल हो गई है, ये जो पेयर है, और धूप तो बड़ी अच्छी निकली हुई है, लेकिन इतनी ठंडी हवा है ना, वैसे मेरा ख्याल से अभी जो है ना यूके में बेस्ट सीजन है बीचेस पे जाने का, जुलाई टू अगस्त, स्टिल अभी जो है बहुत ही ज्यादा ठंड है। आप जैसे कि देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे कुछ ने जैकेट्स पहनी हुई है, और कुछ ने टी शर्ट्स भी पहनी है, बट जैकेट्स भी पहनी हुई है, स्टिल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। और अभी हम लोग जो हैं यहाँ से निकलने लगे हैं, तो फिलहाल इधर वाली जो बीच है उसको गुड बाय कहते हैं, और देखते हैं आज हम दूसरी किस बीच पे जाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास रात तक का टाइम है, तो अभी हम मज़ीद जो है एरिया एक्सप्लोर करेंगे। पूरी यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फे से बीच टाउन्स बने हुए हैं, हेस्टिंग का टाउन है वो भी बड़ा प्यारा है, उधर भी हम आ चुके हैं पहले, ब्राइटन है, फिर इसके साथ साथ सेवन सिस्टर्स है, तो देखते हैं और चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं।